जय श्री राम हिंदुस्तान। फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल हिंदू टेम्पल्स में स्वागत है। महाराष्ट्र में गणेश भक्तों के मन में अष्ट विनायक का जो स्थान है, वही स्थान मारुति भक्तों के मन में समर्थ स्थापित 11 मारुति का है। आज हम उसी समर्थ स्थापित 11 मारुति की दर्शन यात्रा करने जा रहे हैं। समर्थ स्थापित 11 मारुति महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर, कराड, सतारा में स्थित है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत जगह पे मारुति मंदिर की स्थापना की है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व और स्वराज्य के कार्य से प्रेरित होके उनके स्वराज्य विस्तार के कार्य में मदद करने के लिए और लोगों को बलोपासना का महत्व समझाने के लिए इन 11 मारुति मंदिर की स्थापना की। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं शिवकालीन श्री समर्थ रामदास स्वामी स्थापित 11 मारुति दर्शन यात्रा। समर्थ रामदास स्वामी जी के रसीले कीर्तन और सिद्ध सामर्थ्य के कारण उनका शिष्य संप्रदाय बढ़ता गया। उनके पास आने वाले लोगों को एकत्रित करने के लिए उन्होंने राम जन्म और हनुमान जयंती के उत्सव शुरू किए। इन उत्सवों के लिए उन्होंने कुछ प्रमुख राजनैतिक जगहों पे मारुति मंदिर की स्थापना की। उन मंदिरों की स्थापना के कालक्रम से हम ये यात्रा करेंगे। समर्थ स्थापित 11 मारुति में सा कालानुक्रमे पहला माने जाने वाला शाहपुर का मारुति कराड़ मसूर रास्ते से 9-10 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव है। गांव में नदी किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। शके 1566 सन 1645 स्थापित इस मंदिर में मूर्ति चूने के होने के कारण इस मारुति को शाहपुर सा चुनिया सा मारुति कहा जाता है। मूर्ति की लंबाई 6 फीट है। मंदिर का परिसर आकर्षक है। दूसरा मंदिर है श्री क्षेत्र मसूर। शाहपुर के आगे 3-4 किलोमीटर की दूरी पे मसूर गांव है। शके 1567 सन 1647 में इस मंदिर की स्थापना की गई। समर्थ स्थापित 11 मारुति में से सबसे सुंदर मूर्ति इस मंदिर में है। इस मारुति को मसूर चमारुति और महारुद्र हनुमान इन नामों से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी स्थापत्य कला से बनाया गया है। समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्यों और गांव वालों के साथ मिलके शके 1569 सन 1648 में चापर के प्रसिद्ध राम मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे श्री राम मंदिर चापर इस वीडियो में देखने मिलेगी। राम मंदिर की स्थापना के बाद रामदास स्वामी जी ने राम मंदिर के आगे राम जी के सामने दास मारुति और मंदिर के पीछे प्रताप मारुति मंदिर की स्थापना की। तीसरा मंदिर है दास मारुति। श्री राम के सामने विनम्र हनुमान की मूर्ति होनी चाहिए, इसलिए रामदास स्वामी जी ने पत्थर का एक सुंदर मंदिर बांध के उसमें दास मारुति की स्थापना की। मूर्ति की लंबाई 6 फीट है। मारुति के चेहरे पे अत्यंत विनम्र भाव और राम के चरणों पे टिकी हुई आंखें एक अलग ही आस्था सिखाती है। स्थापना के 350 साल बाद भी मंदिर और मूर्ति अच्छी स्थिति में है। चौथा मंदिर है प्रताप मारुति। श्री राम मंदिर के पीछे 300-400 फीट की दूरी पे श्री प्रताप मारुति का मंदिर है। इस मारुति को भीम मारुति
और वीर मारुति नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति की लंबाई लगभग 8 फीट है। भीमरूपी महारुद्रा इस स्तोत्र में समर्थ रामदास जी ने विवरण किया है, वैसा उच्छते मुरडिले माथा, मतलब पूंछ को सिर तक मोड़ा हो, ऐसी मुद्रा में ये मूर्ति है। मंदिर को बड़ा सा शिखर है। ये मंदिर 350 साल बाद आज भी अच्छी स्थिति में है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं समर्थ स्थापित 11 मारुति दर्शन के दूसरे अध्याय में। दुनिया में बसे प्राचीन हिंदू मंदिरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अद्भुत प्राचीन मंदिर के साथ। जय श्री राम।